Good morning class. Let's start physics session once again. The topic is difference between thrust and pressure. Okay. Now, you know what is thrust? Thrust is that kind of a force which is acting perpendicular to the surface. किसी भी surface पे perpendicular जो force apply करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Thrust कहते हैं. ठीक है? और perpendicular लगा रहे हैं इसलिए it is independent of the area. Area से ये area पे depend नहीं करता. ठीक है? और जो thrust होता है वो भी kind of force होता है इसलिए इसकी SI unit भी होती है आपकी Newton. Got it? Now, pressure क्या होता है? Pressure is the thrust acting per unit area. मतलब जितने area पे आपका thrust लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? Pressure. और ये आपने बोला कि area पे लग रहा है. इसलिए किस पे depend करेगा? Area पे depend करेगा. ठीक है? और SI unit जो होती है pressure की, वो क्या होती है? Newton per meter square और Pascal. ठीक है? क्योंकि Pascal scientist ने इसको खोजा था. इसलिए उसके ही नाम पे इसकी यूनिट पड़ गई है. ठीक है? साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल ने इसको खोजा था इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट पास्कल पड़ गई है. तो आपकी इसकी ऐसा यूनिट या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी या पास्कल होगी. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आ सकता है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया. ठीक है? और थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स. और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट बनेगी? प्रेशर की. और पास्कल भी बोल सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड प्रेशर. आपको पता है सॉलिड एक्सर्ट्स करता है प्रेशर किसी भी सरफेस पे. किसकी वजह से? अपने वेट की वजह से. उसी तरीके से लिक्विड्स भी, लिक्विड के पास भी वेट होता है इसलिए वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है. ठीक है? देखिए, आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एक ये प्लास्टिक का फ्लावर है और आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस बॉटल पे. ये बॉटल आपकी खाली है. इस खाली बॉटल पे जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फ्लावर है वो इतना नहीं दब रहा है एज कंपेरिजन टू. अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट में हमने वाटर भर दिया है और इस ऑब्जेक्ट में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्लावर जो है वो आसानी से दब गया है. इसका मतलब ये है कि लिक्विड, इस जो प्रेशर आप इस लिक्विड में अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लिक्विड प्रेशर. ठीक है? अब जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ पे नजर आ रहा है प्रेशर? वो बॉटम पे नजर आ रहा है. इस बॉटम के साथ साथ ये जो प्रेशर आप लगा रहे हैं ये यहाँ साइड में जो इसकी वॉल्स हैं इस वॉल्स पे भी प्रेशर अप्लाई होता है. ठीक है? देखिए, एक एक्टिविटी हम करते हैं. अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर. ठीक है? अब आपके सामने आपने देखा होगा दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं. एक आपकी ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने खाली एक बैलून लगा दिया. ठीक है? और दूसरी आपने टेस्ट ट्यूब ली है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा है? बैलून लगाया है और उसमें पानी भर दिया है. ठीक है? अब पानी भरने से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बैलून है वो पानी भरने से क्या हो गया? फूल गया है, मींस बल्ज्ड हो गया है. ठीक है? और ये वाला जो बैलून है वो डिफ्लेटेड बैलून है. ठीक है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है द वॉटर कोलम एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द बैलून. पानी भरने से इस पे क्या लग रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर लग रहा है. एंड द फोर्स ऑन द बैलून इज इक्वल टू इट्स वेट. वो उसके वेट के बराबर है और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं. ठीक है? तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया. और थ्रस्ट किसके बराबर है? बॉडी के, इसके वेट के बराबर है. तो डब्ल्यू अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर के. इसीलिए ये एक्टिविटी शो करता है कि जो प्रेशर है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ठीक है? नाउ एक्टिविटी नंबर फोर है आपका. एक्टिविटी नंबर फोर, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर साइडवेज आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अब देखिए, आप एक खाली बॉटल ले सकते हैं. इस खाली बॉटल पे आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. मैंने प्रेशर अप्लाई करा तो इसका शेप साइज क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है? अब हम दूसरी और एक बॉटल ले रहे हैं. इस बॉटल में हमने क्या करा? पानी भर दिया. अब हमने इस पे प्रेशर अप्लाई करा तो प्रेशर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो वो बॉटम के साथ साथ यहाँ साइड वेज में भी लगता है. कैसे? आपने इसमें प्रेशर अप्लाई करा तो इसका शेप तो चेंज हो गया लेकिन वापस छोड़ने पर ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया. लेकिन ये एम्प्टी था बॉटल, इस पे प्रेशर अप्लाई करा, ये देखो ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आया. लेकिन हम भरी हुई बॉटल में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया. इट मीन्स द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर साइडवेज ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ठीक है? नाउ एक्टिविटी नंबर फाइव इज अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. मतलब किसी में भी अगर आप लिक्विड भरते हैं तो प्रेशर सारे डायरेक्शंस में लगता है, साइड में, ऊपर नीचे, सब डायरेक्शंस में लगता है. ठीक है? ओके ओके. नाउ
टेक अ बैलून, आपने एक बैलून लिया है, ठीक है। इस बैलून में आपने क्या करना है, आपने इसमें छेद करने हैं, ठीक है। छेद करेंगे और फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है। अब हमने इसमें पानी भरा तो आप देख सकते हैं छेद करने पर ये जो प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है वो साइडवेज पे भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। इट मीन्स वाटर इनसाइड बैलून एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, कौन कौन से लिक्विड जो प्रेशर है, जो प्रेशर लिक्विड पे लगाया जा रहा है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर वन वो हाइट पे डिपेंड करता है और नंबर टू वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आपको पता है जैसे 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 लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, हाइट उस पर डिपेंड करेगी, और उसी तरीके से जैसे जैसे लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा तो वो इंक्रीज इन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी भी बढ़ रही है और लिक्विड प्रेशर भी बढ़ रहा है। सो लेट अस डू द एक्टिविटी वंस अगेन सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग लिक्विड एरिया इज क्लियर टू यू। ओके, द फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, यस, सो फैक्टर्स इफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर में पहला हमने बोला था हाइट, ठीक है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे लिक्विड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। ओके, तो देखिए हम एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जैसे हमने एक दो ग्लास ट्यूब्स लिए, दोनों एंड में हमने बैलून्स लगा रखे हैं। अब देखिए इस वाले बैलून को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने पानी जो है वो कम डाला है और इसमें पानी जो है हमने ज्यादा डाला है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें पानी ज्यादा डाला है, तो जिसकी वजह से ये जो बैलून है इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से फूल गया है। गॉट इट, तो यू विल फाइंड दैट द बैलून बल्जेस मोर, क्योंकि इसमें पानी भी ज्यादा है तो इसलिए मोर होगा। दिस शोज दैट ग्रेटर द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ट्यूब अबव द बैलून ग्रेटर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑन द बैलून। गॉट इट, तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अंडरस्टैंड, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, सो लिक्विड प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब एक और एक्टिविटी हम करते हैं कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब आपने एक एम्प्टी टिन सिलेंडर लिया है, जैसे कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका एक टिन सिलेंडर है, ठीक है। अब इस टिन सिलेंडर में हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर और यहाँ पर हमने दो होल कर दिए हैं, और इन होल के बाद में आपने क्या करना है, एक टेप चिपका दिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हमने यहाँ पे दो छोटे छोटे होल कर दिए हैं, ठीक है। होल करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक टेप से, एडहेसिव टेप से आपने इसको टेप से चिपका देना है, ठीक है। टेप से चिपका देंगे आप, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस सिलेंडर को इस ब्लॉक के ऊपर आपने, टेबल के ऊपर आपने रख दिया, ठीक है। नाउ फिल द सिलेंडर विद वाटर, अब आपने क्या करना है, इसमें वाटर डालना है और इसको आपको क्या करना है, भर देना है वाटर, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जब इसमें पानी डाला तो ये आपका पूरा का पूरा भर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप धीरे धीरे टेप को हटा देंगे, आपने ये टेप हटाया, ठीक है। जैसे ही टेप हटाया आप देख सकते हैं कि टेप हटते ही आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे से पानी निकल रहा है और ऊपर से भी पानी निकल रहा है, तो नीचे वाले की जो हाइट है वो कम है लेकिन पानी आपका ज्यादा दूर तक जा रहा है, और ऊपर वाले की हाइट आपकी क्या है, ज्यादा है और पानी क्या है, पास में जा रहा है। गॉट इट, तो इससे ये समझ में आता है, यू विल नोटिस दैट द वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम द अपर होल फॉल्स क्लोजर टू द सिलेंडर एंड वॉटर कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर होल फॉल्स फर्दर फ्रॉम द सिलेंडर। देखिए आपकी हाइट, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वो क्या है, वो पास में गिर रहा है, लेकिन हाइट आपकी कम है तो वो दूर जा रहा है। इसका मतलब लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है विद द हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, लिक्विड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। गॉट इट, ये इस एक्सपेरिमेंट से आप कर सकते हैं। जैसे आपने दो ग्लास ट्यूब लिए, एक ग्लास ट्यूब में आपने वाटर से भर दिया, दूसरा ग्लास ट्यूब को आपने ऑयल से भर दिया, मस्टर्ड ऑयल आपने लिया, ठीक है। दोनों के नीचे टेस्ट ट्यूब में, दोनों के नीचे आपने बैलून रखा, तो जो आपने जिसमें वाटर भरा है वो कम ज्यादा फूलेगा और जो मस्टर्ड ऑयल जिसमें आपने भरा है वो आपका ज्यादा फूलेगा। क्यों ज्यादा फूलेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसीक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर। सो थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ अ डैम इज इंक्रीज टूवर्ड्स द बॉटम।
क्यों ऐसा होता है टुवर्ड्स द बॉटम में इंक्रीज होता है? द रीजन इज दैट द प्रेशर एट द पॉइंट ड्यू टू द लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द हाइट. ओके, नाउ यू कैन सी दिस वंस अगेन कि ऐसा क्यों होता है. द थिकनेस, द रीजन इज दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू द लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट. ओके, सो थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ अ डैम इज इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम सो एज टू विदस्टैंड द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द वॉटर. थैंक यू गाइस.